नमस्कार, मैं हूं सौलत जबी। स्वागत है आपका प्राइम बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के कासगंज में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान यूनियन के नेता कुलदीप पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए एक विशाल रैली निकाली, जिसमें किसानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ हुंकार भर कहा कि किसान लंबे समय से धरना कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रैली की अध्यक्षता कर रहे किसान नेता कुलदीप पांडे ने कहा कि इस रैली के माध्यम से किसान अपनी आवाज को बुलंद कर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने की भी मांग की, अन्यथा सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। हजारों की संख्या में आज किसान सड़कों पर है। हम 10 दिन से लगातार धरने पर हैं। किसी भी अधिकारी ने अभी आकर हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है, न लिखित रूप से हमें कोई आश्वासन दिया गया है। और हम आज मांग कर रहे हैं कि DM साहब हमारा ज्ञापन लेने आए और जो स्थानीय समस्या है उनका तुरंत निस्तारण कराया जाए, और अगर नहीं किया जाता है तो हम चक्का जाम भी करेंगे। अभी किसान आ रहे हैं, खेती का काम है, जो लोग आ गए हैं वो अभी हम मैदान में हैं, अभी हम अपने धरना स्थल पर जा रहे हैं। और धरना स्थल पर ये अधिकारियों को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप हमारी सहानुभूतिपूर्वक आकर बात सुन लें DM साहब मौके पर आके, तो हम अपनी कोई मतलब हमारी कोई प्रक्रिया जाम फाम की नहीं रहेगी। अगर अधिकारी नहीं आएंगे और हमारी उपेक्षा की जाएगी जिस तरीके से की जा रही है, हमने 9 दिन से लगातार धरना दिया है, ज्ञापन लेते गए हैं, लेकिन लिखित रूप से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। स्थानीय समस्याएं दी गई लेकिन उनका कोई निस्तारण जमीन पर नहीं दिखा है। कासगंज से सौरभ यादव की रिपोर्ट। वहीं यूपी के चंदौली में दीनदयाल स्टेशन पर यात्री प्रतीक्षालय में बम की सूचना से लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं सुरक्षा एजेंसी RPF और JRP की टीम मौके पर पहुंची और अलर्टनेस दिखाते हुए संदिग्ध बैग को तत्काल ही बरामद कर लिया, लेकिन जानकारी देते हुए बताया कि सिर्फ माइक्रिल था, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। बता दें कि आपातकालीन स्थितियों के दौरान तैयारियों को परखने के लिए समय समय पर मॉकड्रिल प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन इस दौरान लोगों में अफरा तफरी देखने को मिली। ये RPF और JRP फोर्स की अलर्टनेस को चेक करने के लिए एक मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें परफॉर्मेंस अच्छा था। इसमें काफ़ी कम पीरियड में आकर के बम को डिस्पोज ऑफ की कार्रवाई की गई। ये उच्च अधिकारीगण के निर्देश पर किसी आकस्मिक घटना से निपटने के लिए, कोई आतंकवादी घटना हो, कोई बम मिलने की सूचना हो, उस पर अपना रिस्पॉन्स टाइम चेक करने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था चेक करने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है समय समय पर। चंदौली से अजय राय की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। दुबई में हुए तीसरे दुबई इंटरनेशनल गेम्स और जिमेस्टिक कप 2018 में भारत की टीम में खेल रही अमृतसर कुल 14 लड़कियों ने देश के लिए 40 मेडल जीते। इनमें 17 गोल्ड, 8 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज मेडल है। वहीं इन खिलाड़ियों का वतन वापसी पर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर लड़कियों के कोच ने खुशी जाहिर करते हुए लोगों को हिदायत दी कि जो लोग लड़कियों को मान सम्मान नहीं देते हैं, वो खुद देख सकते हैं कि लड़कियां भी लड़कों के बराबर हैं। आप बच्चे साडे खेडणगे जसन GSA क्लब बोलो थर्ड DA जिमनास्टिक कप होया उत्थे रिदमिक जिमनास्टिक का, जिसे 19 कंट्रियों ने पार्टीसपेट किया, 450 के करीब बच्चे सन उत्थे, तो साढ़े बच्चे ने उत्थे 16 गोल्ड मैडल, 13 ब्रोंज, 17 अपना सिल्वर मैडल जीते ने। आ मिडल ईस्ट का सब तो वड्डा कंपीटीशन सी। माय नेम इज कुरसीरा, तो मैं स्प्रिंगडेल स्टडी करती हाँ। मैं नैशनल गोल्ड मैडलिस्ट हाँ, तो हूँ इंटरनेशनल गोल्ड मैडलिस्ट हाँ, तो फ्यूचर ओलंपिक्स खेल रही। मेरी कोच का मैं बहुत सपोर्ट आ, बहुत वधिया, बहुत ज़्यादा खुशी आ, इंटरनेशनल दो गोल्ड है। अमृतसर से ललित शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के गाजीपुर की पुलिस ने 3 अभियुक्तों को भारी मात्रा में मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वो अफीम फैक्ट्री के कर्मचारी हैं, जो अफीम फैक्ट्री से अफीम निकालकर हरिश्चंद सिंह को बेचते हैं, और हरिश्चंद सिंह अफीम को चुने हुए केमिकल से गलाकर हेरोइन तैयार करता है और हेरोइन बजरंग यादव को बेच देता है। वहीं पुलिस ने लगभग 50 ग्राम हेरोइन और 50 ग्राम अफीम बरामद की है। हमारी कोतवाली पुलिस अपराध अपराधियों के संबंध में चेकिंग में मामूर थी। कल शाम 9:30 बजे के लगभग इनको सूचना मिली है कि लुटाउन विद्यालय आदर्श बाजार के पास कुछ लोग हैं जो अफीम वगैरह की जो है खरीद फरोख्त कर रहे हैं। इस सूचना में कोतवाली इंस्पेक्टर पूरे फोर्स के साथ अपने मौके पर गए और वहां 3 लोग गिरफ्तार हुए। उनमें एक अनिल कुमार पुत्र सतीराम था, दूसरा हरिचंद सिंह था, तीसरा बजरंगी यादव। इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो है 50 ग्राम हेरोइन, 50 ग्राम अफीम और 40,000 रुपया और 3 अदद मोटरसाइकिल और 4 अदद मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। गाजीपुर से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Nation One। नमस्कार।